हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल बुक गोइज किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी की रेसिपी। ये निमोना टाइप में हम आप बना के आज दिखाएंगे, पर ये निमोना एक तरफ से समझ लो कि ये मसाले वाला निमोना हम आपको आज बना के शेयर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आलू को अच्छे से साफ़ करके रख लिया, अब इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। मटर को भी मैंने अच्छे से छील के रख लिया है, बाकी जितने भी हमें लहसुन प्याज टमाटर जो भी चाहिए यहाँ फिर मैंने साफ करके रख लिया है। अब यहाँ पे आलू को मैंने काट के साइड में रख दिया है। अब मिक्सर में मैं मटर डाल दूँ, यहाँ एक कटोरी मटर है। मैं इसको ज़्यादा बारीक भी नहीं पीसूँगी, ज़्यादा मोटा भी नहीं पीसूँगी, बस हल्का पल्स मोड में आप ग्राइंडर चलाना। यहाँ पे मेरा तेल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें आलू डाल देती हूँ। आलू को मुझे फ्राई करना है तो आलू को मैं डाल देती हूँ यहाँ फ्राई होने के लिए। आलू यहाँ पे हमारा फ्राई हो गया है, अब इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में, ये देखिए। अब इसी कढ़ाई में हम मटर डाल देते हैं, ये देखिए मटर को मैंने कितने अच्छे से पीस के रख लिया है, ना ज़्यादा बारीक ना ज़्यादा मोटा। अब इसको डाल के हम अच्छे से इसको भूनेंगे। ज़्यादा तेल का इस्तेमाल आप मत करिए, नहीं तो फिर ये ना अच्छा नहीं बनेगा। मटर हमारी वहाँ भुन रही है, तब तक यहाँ पे भी मैंने 8-10 लहसुन की कलियाँ ले ली है, एक छोटा टुकड़ा अदरक का ले लिया है और एक हरी मिर्च ले ली है। इन सबको अच्छे से हम कूट लेंगे। मसालों को कूट के मैंने एक साइड रख दिया है। अब यहाँ पे मैंने दो मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जो एक ग्राइंडर में डाल के इसको हम बारीक इसका पेस्ट बना लेंगे। तब तक हमारी मटर वहाँ पे भुन चुकी है, आइए उसको देखते हैं। मटर हमारा यहाँ अच्छे से भुन के तैयार हो गया है, अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हमें अलग से कोई दूसरा बर्तन नहीं चढ़ाना, इसी में मुझे सारे काम करने हैं। मटर हमारा भुन के तैयार हो गया है, इसको मैं एक प्लेट में निकाल लिया है। अब कढ़ाई में मैंने 2 टेबल स्पून तेल डाला है, 5-6 मेथी के दाने, 2 छोटे तेज पत्ते और कुटे हुए जो अदरक लहसुन मिर्च के मसाले थे, इन सबको डाल के हम अच्छे से थोड़ा सा भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज की प्यूरी यहाँ हम डाल देते हैं। इनको भी ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि अभी मुझे और सारे मसाले डालने हैं, तो सब मसाले मुझे थोड़ा थोड़ा करके भूनना है। प्याज हमारा यहाँ थोड़ा भून जाएगा, तब तक हम टमाटर की प्यूरी तैयार कर लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा तेल आप जितना कम यूज़ करेंगे ना मसाले भूनने उतना ही से, क्योंकि मैंने आलू को भी फ्राई करके रख लिया है, मटर को भी मैंने भुना है तेल में, तो ज़्यादा तेल हमें इसमें यूज़ अभी नहीं करना है। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए हैं, जिसको मैंने एक इसमें पूरा डाल दिया है, एक आधा इसमें हम डालेंगे। आधा टमाटर हम रखेंगे ग्रेवी में डालने के लिए, ये देखिए आधा मैंने साइड में रख दिया है। अब यहाँ इतने ही टमाटर हम यूज़ करेंगे। अब इन सबका हम एक प्यूरी बना के तैयार कर लेते हैं। प्याज हमारा तब तक यहाँ भुन गया है थोड़ा, अब इसमें हम टमाटर की प्यूरी डाल देते हैं। ये देखिए हाँ, अब हम टमाटर की प्यूरी इसमें डाल देते हैं और इनको डालने के बाद थोड़ा सा हम चलाएंगे। उसके बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे बाकी सारे मसाले, जैसे कि 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। तीखा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैं ज़्यादा तीखा नहीं बनाती क्योंकि मेरे घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मैं उनके लिए कुछ अलग से नहीं बनाती हूँ, जो मेरे घर में बनता है वही सारी चीज़ें वो खाते हैं। यहाँ पे सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं। अब मिक्सर में जिसमें मैंने टमाटर पीसे थे उसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसमें डाल देती हूँ, ये देखिए। अब मसालों को मैं अच्छे से मिला के और इनको अच्छे से भून लेती हूँ। अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। इन सबको डाल के मैं अच्छे से मसालों को अब भून लेती हूँ। गैस का फ्लेम आप यहाँ पे मीडियम रखना, क्योंकि तेल मैंने ज़्यादा यहाँ पे नहीं लिया है, तो गैस तेज़ मत करना, मीडियम फ्लेम पे आप अपने मसालों को भूनना। मसाले यहाँ पे हमारे भून के एकदम रेडी हो चुके हैं, अब इसमें हम ऐड करेंगे गर्म पानी। ये देखिए ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसे आपको रोटी से खाना है उस हिसाब से रखिए, चावल से खाना है उस हिसाब से रखिए। फिलहाल तो ये सब्ज़ी ना रोटी चावल दोनों के साथ बहुत ही परफेक्ट लगेगी। आप मटर आलू मटर की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं एक बार ज़रूर शेयर करना। अब यहाँ पे मैं फ्राई हुए आलू मटर सब डाल देती हूँ, ये देखिए इन सबको डाल के हम अच्छे से चला लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया इसमें। एक बार हम आलू को भी चेक कर लेते हैं कि आलू हमारे पके हैं कि नहीं, एक बार आपको चेक करके दिखा देते हैं। ग्रेवी यहाँ पे मुझे थोड़ा कम लग रहा है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे।
यहाँ पे पानी मैंने डाल दिया है, और इसको एक बार हम फिर अच्छे से और चला देते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है ना। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो आधा टमाटर मैंने साइड में रखे थे, उसको पतले पतले स्लाइस में काट के इसको हम डाल देते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून गर्म मसाला। इन सबको डाल के हम अच्छे से चला के फिर इनको हम ढक देते हैं 2 मिनट पकने के लिए। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर करना और एक बार इस डिश को ट्राई ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि ये आपको कैसी लगी। सब्ज़ी यहाँ पे हमारी पक गई है, अब इसको आपको दिखा देते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है ना, एक बार कितना दिखने में कितना बढ़िया लग रहा है। आलू भी हम आपको चेक करके दिखा देते हैं। तो आलू भी यहाँ पे हमारा अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे धनिया के पत्ते। ये देखिए, आप अपने घर में आलू मटर की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं मेरे साथ रेसिपी अपनी ज़रूर शेयर करना, ये कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। धनिया पत्ती मैंने डाल के चला के फिर इनको मैं साइड पे रख देती हूँ। तब तक मैं यहाँ पे सब्ज़ी के लिए एक तड़का तैयार कर लेती हूँ, जिसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून तेल और 1 टेबल स्पून राई हींग। ये देखिए मैंने राई डाल दिया यहाँ पे, अब इसमें हम ऐड करेंगे हींग। आइए इसका हम बढ़िया तड़का लगाते हैं। तड़का लगाने के बाद आप इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा ऐसे, उसके बाद आप खोल लो इसको। अब आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है ना। एक बार आपको चला के दिखा देते हैं कितनी बढ़िया सब्ज़ी मिली है। एक बार आप इसको ट्राई ज़रूर करना, ट्राई करके बताना कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।